प्यारी सुबह, खिलखिलाती धूप, सुंदर सा दृश्य, बच्चों की अटखेलियाँ, मोहल्ले का शोर सुकून सा है। हाँ, ये दृश्य मेरे गांव का है। कभी धूप तो कभी छाँव में, जिंदगी जीने का असली मजा है गांव में। हाँ, ये गांव है पागलपुर। यहाँ के लोग देखने में तो इतने भले हैं जैसे इनसे सीधा कोई है ही नहीं, पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपस में किसी की लड़ाई ना हो। ये समझो तसल्ली ही नहीं है, ना पंचायत भी होती है, मुखिया जी भी आते हैं, फैसले भी सुनाए जाते हैं, पर मानता कोई नहीं। अब किसी का झगड़ा हुआ है, देखते हैं गांव में क्या खिचड़ी पक रही है। चाचा ओ चाचा, चाचा चाचा तुम अपनी हैं ऐसे मारो, कालू तुम्हारी जगह में नाली बना रिया है। चल फिर आज उसी दिन हुआ सब। साला धर्मपाल घर ना, ना प्लॉट में नाली बना दूं। ओ साले कालू क्या कर रहा है? कालू तेरा दिमाग खराब है? अच्छा एक ईंट में खोपड़ी खिला दूंगा। ना मानेगा तू? ना मानेगा? ना मानेगा? ओए हो लड़ाई हो गई। अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो, रुको रुको मैं कुछ कर थोड़ी दिया हूं। ओए पकड़ मुझे, पकड़ साले लौंडे ने पकड़ रखा ना, तेरा भूत बना देता। बात क्यों हो गई? बात तो बताओ क्यों लड़ रहे हो? बात क्या भाई साहब, मेरी जगह मैं अपनी जगह में कुतुब मीनार खड़ा करूं या नाली खोदूं, इस पर कौन सा जोर पड़ रहा है? भाई साहब बात तो ठीक है यार तुम्हारी वैसे। भाई मेरी बात भी सुनो, यू नीम मेरी है, अगर यू यहाँ नाली खोदेगा तो बारिश से भी ढहेगी ना ढहेगी। यह बात तो तुम्हारी भी ठीक है यार। अरे तुम शांत बोल रहा, रुको भाई साहब बात तो तुम्हारी भी ठीक है। धर्मपाल को बाद में मारूं, पहले तुझे ही मारूं। भाई साहब ने प्रधान जी के धोरे ले चलो, तभी इनकी लड़ाई का मसला कटेगा। चलो दोनों को लेके चलने आओ भाई। मुखिया जी। हाँ रामू। कैसे सरपंच हो तुम, अपनी जिंदगी में एक भी केस सोल्व नहीं किया? अरे फैसले तो बहुत करे रामू मैंने यार, सुतरा काम का कोई सुनता नहीं यार मेरे तो। बाणो कुछ हो तो उससे जबी तो। क्या कह रहे यार रामू, कुछ कह देता ना? ना कुछ ना कह रहे, चलो आजा। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई बताओ क्या क्या समस्या है तुम्हारी? सरपंच जी समस्या क्या आई, हमारे नीम के किनारे नाली खोद रहा, मैं खोदने नहीं दूंगा। मैं देखो नाली खोदूंगा सरपंच जी, देखो मेरी जगह मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा समस्या ये है? सपना चौधरी के होल्ड गाने। अबे रामू छाता ऊपर कर, बेइज्जती करवाएगा। रामू धूप खत्म हो गया, छाता नीचे कर ले। ना करने का, फीस पूरी ले रही हूँ, छाता नीचे नहीं करने का। ना मानेगा रामू? ना मानने का, मैं मानने का। अरे मान जा, 500 रुपए पे करो तो मान जाऊंगा। अरे चल ले लिए 500 रुपए पे करो अभी। अरे कर दूंगा, चल कर स्कैन करो अभी। मुखिया जी पहले मेरा समाधान करो। अच्छा पहले तुम्हारा ही समाधान करेंगे। धर्मपाल पहले तुम बताओ अपनी समस्या। प्रधान जी समस्या ये है, अगर जो मेरी नींव के किनारे नाली निकालेगा तो वो चौमासे में ढहेगी या ना ढहेगी? हाँ बिल्कुल ढहेगी भाई धर्मपाल, ये बात तो तू सही कह रही है। तो सरपंच जी मैं नाली कहाँ खोदूं? देख भाई मेरी नींव के किनारे नाली मत खोद, चाहे तू कहीं भी खोद ले। तो ठीक है मैं अपनी जगह के पीछे नाली निकालूंगा। अब तेरे घर के पीछे था मेरा घर है तो प्रधान के घर के आगे को नाली निकालेगा तू है? सुनो भाई धर्मपाल और कालू, नाली सरपंच के मोड़ आगे निकलनी है, कहीं और जानी नहीं है। अबे और रामू पैसे और दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ तुझे, तू मेरे घर के आगे नाली निकलवाएगा? फालतू मत ना बोल रामू, पिस्ता मजदूरी करेगा तू। मैं मान जा मुखिया छोड़ दे। रामू मजदूरी मत कर, नहीं बहुत मारे रामू, मान जा बहुत गुस्सा आ रहा है रामू। मार दिया।
लो भैया हो गया फैसला, यहाँ तो सरपंच ही छिद गया, लगता है अब तो पुलिस में फैसला करना पड़ेगा। सोच के रिया मिला 112 है।